चुनावी चेकिंग में बड़ी सफलता। रीवा में स्थैतिक निगरानी टीम ने पकड़े 3 लाख रुपए कैश। मोहनिया टनल पॉइंट पर कार्रवाई। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रीवा जिले में चुनावी चेकिंग के दौरान स्थैतिक निगरानी टीम को बड़ी सफलता मिली है। बताया गया कि रीवा सीधी के मध्य बनी मोहनिया टनल के पास चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा गठित जांच दल को संदिग्ध वाहन दिखा। जांच में 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। चालक ने पूछताछ में राशि की सही जानकारी नहीं दी। ऐसे में राशि को जब्त कर थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। गोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक विकास कपीस ने बताया कि 25 अक्टूबर की सुबह 11 बजे बदवार में संचालित स्थैतिक निगरानी टीम ने वाहन क्रमांक MP53CA8417 को चेक किया। तभी एक बैग से 500-500 की 3 गड्डी कुल 3 लाख रुपए की रकम निकली। ऐसे में जांच टीम ने चालक नीलेश जयसवाल पुत्र हीरालाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पोडी थाना चुरहट जिला सीधी से पूछताछ की। स्थैतिक निगरानी टीम ने कहा कि चालक द्वारा रुपयों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। काफी प्रयास के बाद भी चालक ने कहां से रुपए लाए, कहां ले जा रहे थे आदि जानकारी पूछताछ के बाद भी नहीं बताई है। रकम के संबंध कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस द्वारा आदर्श आचरण संहिता के चलते 3 लाख रुपए नगद जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।